सो गाइस वेलकम, स्वागत आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे। आज अपन लोग एक और गेम प्ले वीडियो लेके आ चुके हैं कार फॉर सेल की। और गाइस 18-19 हज़ार डॉलर अपने पास है ही, लेकिन ये भाई जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है वो वाला गेम नहीं है, लेकिन कुछ टाइप वैसा ही है, कह सकते हो कार फॉर सिमुलेटर सस्ता भाई। अब जब महंगा खरीदेंगे तब खेलेंगे ना यार, तुम लोग सब्सक्राइब लाइक वगैरह करते नहीं हो, करो भाई। बाकी फिलहाल को अपन लोग कार मार्केट में आ चुके थे जो कि एम्पटी है, क्योंकि आज कार ऑक्शन होने वाला है। तो फिलहाल को अपन लोग यहाँ पे आ चुके थे अपने विलेज में और देखते हैं, और ये वाला डीलर कैसा लग रहा भाई, देखते हैं हरामी तो नहीं है ज़्यादा। 9,000 रुपये मांग रहा भाई, 9,000 रुपये। अरे तेरे को मैं भाई साहब इसके 8,000 रुपये देने की सोच रहा हूँ, देता है क्या गाड़ी अपनी? इतनी भी कुछ खास नहीं है, चल बेटे 8,000 रुपये में गाड़ी दे और इन्जॉय कर। अबे दे देना है, चलो टिक मार देते हैं, और रिफ्यूज़ कर दिया। अबे इतनी तो महंगी नहीं है, चलो 8600 मिल। अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, अभी गजब बेचती है 8600 रुपये में, अब भी नहीं दे रहा है। इसको भाई सजा के रख ले तू, और हम खो 9,000 रुपये में तो देगा क्या, 8800 में ट्राई ले ले क्या? अरे भाई मतलब 200 रुपये भी नहीं छोड़ रही है, क्या ये कौन सा गेम है भाई? मैं नहीं खेल रहा ये गेम, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। मतलब गजब बेचती है, इतने में तो दे दे। अरे वाह, अब तो अपने को इसी में खरीदना पड़ेगा, 65 रुपये भी, चलो छोड़ो। अब गाइस अपन लोग इसको अच्छे से मॉडिफाई वगैरह करवा के बेच डालते हैं, फिर देखते हैं कितना पैसा कमाने वाले हैं। और आज अपना मोटिव एक लग्जरी कार लेने का कम से कम रहने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहना। बाकी इसको चलाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो अपन लोग सोच रहे इसको टो कर देते हैं भाई, और फिर बस स्टैंड से चले जाएंगे। पैसे की तुम्हारे भाई के पास कोई कमी नहीं है, तो चलो इसको टो कर देते हैं भाई, और ये तो अपनी ऑफिस में पहुंच जाएगी। और अभी बस स्टैंड से चलते हैं अपन लोग सीधा अपने ऑफिस में, तो चलो भाई मिलते हैं आपसे सीधा वहीं पे। तो फाइनली गाइस अपन लोग आ चुके हैं अपने ऑफिस में, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देते हैं भाई ये। और ये कौन सी गाड़ी भाई? ये गाड़ी तो अपन लोगों ने खरीदी नहीं थी। अच्छा, बेचने आया हुआ है, बेचने आया हुआ। अरे चलो मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, चल बेटे बता गाड़ी। 5,000 में 1,48,000, क्या मजाक कर रही है भाई? गरीब आदमी के साथ मजाक करा, निकल यहाँ से पकौड़े। तो अपनी औकात अभी फ़िलहाल नहीं है, अपन लोग इसको रिपेयर करा के बेच सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। शाम भी हो चुकी है तो जा सो जाते हैं, और अपना काम नेक्स्ट मॉर्निंग से स्टार्ट करने वाले हैं। एक नल्ला सा सोफ़ा दे हुआ भाई साहब सोने के लिए, बहुत गरीबी छाई हुई है, लेकिन गाड़ियाँ बेच बेच के यहाँ पे महल खड़ा कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो भाई, अरे उठ जा भाई, कितना सोता है। चलो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, और अपने पास सिर्फ 10,000 के अराउंड डॉलर बचे हुए हैं। इसमें अपने को रिपेयर वगैरह वॉश वगैरह भी करवाना है, और फिर इसको सही प्राइस पे भी बेचना है, तो देखते हैं कैसा कुछ रहता है। फिलहाल को गाड़ी को लेके चलते हैं अपने मैकेनिक के पास, देखते हैं कितना पैसा लेगा इसका ठीक कराने का। और बाकी चलो भाई चलते हैं, बाकी तो ऑफिस में जाने के बाद ही पता चलेगा कि कितने रुपए में बेच सकते हैं, पहले रिपेयर तो करा लें, इसको बाद में बेचेंगे ना। और ये अपना ऑफिस है, ये अपना टो ट्रक खड़ा भाई साहब, अपना ही है, मैकेनिक का नहीं है भाई। कौन कह रहा है मैकेनिक का, नहीं अपना ही है। और फिलहाल को अपन लोग आ चुके थे इधर, और देखते हैं इससे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं क्या रहता है। और 1,850-1,850 रुपये में भाई रिपेयर कर रहा है, 3,300 रुपये में वॉश कर रहा है, चल कर दे यार, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है अपने पास। वॉश अपन लोगों ने करवा ली और रिपेयर भी हो चुकी है, और कलर चेंज अभी तो नहीं करवाने वाले यार, बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे, इतने पैसे अपने पास है नहीं। तो फिलहाल को देखते हैं, ये अपन लोगों ने अराउंड 9,000 रुपये की खरीदी थी, और 2,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा हो गया, यानी 11,000 रुपये की अपनी को पड़ी है। तो कम से कम इसको कम से कम भी 16-17,000 रुपये की तो बेचनी पड़ेगी यार, वरना तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट से तो ऐसे बात नहीं बनेगी। कम से कम 5,000 रुपये का प्रॉफिट अपने को इस गाड़ी पे कमाना है हाल में। तो चलो अभी चलते हैं, और कार मार्केट भी ओपन हो चुकी है, जहाँ से गजब गजब की कारें भी लेंगे अपन लोग। और अपने को एक लग्जरी कार लेनी है, वो कम से कम यार समझो नहीं तो 1,00,000 के राउंड तो आएगी, और इतना पैसा इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन जब वीडियो शुरू कर दिया तो कंप्लीट भी करेंगे, और एक लग्जरी कार के साथ। अरे इतनी खतरनाक ड्रिफ्ट, अरे भाई साहब थोड़ा कंट्रोल में रहा, गाड़ी इतनी महंगी गाड़ी थोड़ी है तो ऐसे ड्रिफ्ट मार देगी, ओडी वगैरह थोड़ी है भाई। कोई नहीं गाइस, ओडी वगैरह भी लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल को इसको अपन लोग सेल पे करेंगे, देखते हैं कितना कुछ मार्जिन मिल पाएगा अपने को। तो चलो भाई जल्दी से अपन लोग नेट पे डाल देते हैं, और फोटो वगैरह देखते हैं खींच पाएंगे या नहीं, या फिर सीधी ऐसी इसकी इन्फॉर्मेशन रख देंगे। और 1999 का मॉडल, एक खचड़ा मॉडल भाई साहब, इसको कौन लेना पसंद करेगा मुझे तो पता नहीं है। अबे 9,000 में, अच्छा ये तो वो बता रहा भाई 9,000 में, और BVM पता नहीं कौन सी गाड़ी है ये,
11,000 का खर्चा, कम से कम इसको अपन लोग 18,000 रुपये रखने वाले हैं, तभी तो 15-16 में बिक पाएगी। तो सेल पे अपन लोगों ने रख दिया है, देखते हैं अपने यहाँ कस्टमर कब तक आता है, और उसको बेवकूफ़ बना के इसको 18,000 में बेच दिया तो मज़ा ही आ जाएगा। तो फिलहाल को अपन लोग थोड़ी बहुत और कार वगैरह देखने चलते हैं, और अभी चलेंगे कार मार्केट में, समझ रहे हो गाइस? तो चलो जल्दी से चलते हैं, बाकी कार मार्केट तो खाली था इसलिए मैं आ चुका हूँ विलेज में भाई। और विलेज में ये एक ट्रक खड़ा हुआ है, ये कितने में, अरे ये तो 200 रुपये का लग रहा है भाई मुझसे, तो ज़्यादा करे तो 250 ले लियो, ठीक है ना? अरे 10,000 रुपये, पगलेट पागल हो गया है क्या तू? तुझे शर्म नहीं आती क्या? थोड़ी बहुत भी 10,000 रुपये का ट्रक कौन खरीदेगा? कोई दिक्कत नहीं है भाई, विलेज में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ अपने को आराम से मिलेंगी। तो और चेकआउट करते हैं, और 8,000 रुपये अपने पास है, इसमें अपने को एक गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। और वैसा वैसा ट्रक खड़ा हुआ है एक उधर भी, और ये गाड़ी कौन सी है भाई, पता नहीं कौन सी गाड़ी है, चेकआउट करते हैं देखते हैं। फोर्ट बेपारो, बेपारो क्या था ये पता नहीं, ये भी नहीं लेंगे अपन लोग। ये वाला ट्रक ऑलरेडी देख चुके हैं, वो उसके 10,000 रुपये मांग रहा था, ये देखते हैं कितने में दे रहा है। और देखते हैं भाई साहब, अबे जल्दी बोलना टाइम नहीं है। 12,000 रुपये, 13,000 रुपये, अबे तो निकल यहाँ से। अभी वो गाड़ी दिख रही है उसको देखते हैं, वो अपने को शायद से मिल जाएगी 7 से 8 हज़ार रुपये में, देखते हैं। तो भाई ऐसे बैठा जैसे ऑडी बेच रहा भाई, टांग के ऊपर टांग रख के गजब बेचती है। यहाँ पे 6,500 रुपये ये अपन लोग लेने के सोच सकते हैं, इतना अपना बजट भी है, तो 6,000 रुपये ट्राई करके देखते हैं पहले, क्या पता दे ही दे, लेकिन देगा नहीं भाई आरामी, 100 रुपया भी नहीं छोड़ते हैं, ये पता था भाई नहीं देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मत दो भाई, एक दिन अपन ना शोरूम खोलूँगा ना, वहाँ पे तुम्हें सफाई करने वाला लगाने वाला हूँ मैं इसी गेम में, समझ रहे हो? और 6,100 में तो दे दे, इसमें भी नहीं दे रहा है ये, मेरे ख्याल से भाई पूरे पैसे लेगा, उससे 1 रुपया नहीं छोड़ने वाला। क्या ही कर सकते हैं, 6,200 में ट्राई ले लेते हैं, क्या पता दे दे, चलो 6,250 कर देते हैं। अरे अरे पता था नहीं देगा भाई, इसमें एग्जैक्ट रुपए में खरीदनी पड़ती है, क्या ही करें बाकी। तो चलो चलते हैं, अपने कस्टमर उस गाड़ी को देखने आ चुके होंगे, उसको भी बेचनी अपने को, इसको टो कर देते हैं। तो चलो भाई अब अपने को पैदल ही चलना पड़ेगा, या फिर बस स्टॉप से अपन लोग बस वगैरह भी ले सकते हैं। तो चलो फाइनली आप लोगों से पहुँचते हैं, मतलब मिलते हैं सीधा ऑफिस पर, जल्दी से पहुँचते हैं। यहाँ पर आ चुके थे और अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी, और तीन तीन कस्टमर आ चुके। अरे वाह इतनी गजब गाड़ी है क्या? अरे बिल्कुल अच्छी मॉडिफाई करवा रखी है, और बेबी हम इसका सब कुछ ठीक है भाई, फ्यूल भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है इसके, मुझे 20,000 रुपये दे दे, मैंने 18 लाया तो क्या हो गया, 20,000 रुपये दे दे भाई। अरे नहीं ऐसे थोड़ी होता है, कम से कम 15-16 हज़ार रुपये तो बोलो यार, 14,500, ये भी कुछ ऐसा ही दे रहा है। नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ये देखता हूँ ये देगा क्या 15,000 रुपये। अरे ये लेकिन उनसे तो ये ज़्यादा ही दे रहा है, तो चलो इस पर ट्राई करके देखते हैं अपन लोग, 16,500 रुपये की। अरे वाह बिक गई, 16,500 में बिक गई यार, ठीक ठाक मार्जिन अपने को मिल चुका है, हो सकता है ये 17,000 में भी ले लेता, लेकिन चलो छोड़ो। अब अपन लोगों के पास ये रेड वाली कार है, इसको भी रिपेयर करेंगे, पहले ही ये देखते हैं क्या हाल चाल, 11,000 रुपये में गाड़ी दे रहा है, तो देखते हैं ले लेते हैं अपने पास, 11,000 तो पड़े हुए हैं, और अपने को बहुत सारी गाड़ियाँ बेचनी पड़ेंगी। 10,500 रुपये में दे रहा है क्या भाई, इसके अलग नखरे हैं, तू गाड़ी बेचने आया है, थोड़ा पैसे तो छोड़ना, समझता नहीं है बिल्कुल भी यार, इतने में तो दे दे। अरे भाई साहब $132 अपने जूते में डाल ले और चला जा यहाँ से, हराम खोर, 11,000 रुपये में देगा या नहीं देगा? अरे भाई साहब ये कोई, मतलब कुछ बोलना ही नहीं है मेरे को, जाके गाड़ी बेचता हूँ। तो चलो चलते हैं, अभी अपने को ऑफिस जाना है, दो गाड़ी हो चुकी है, इसको रिपेयर वगैरह भी करवाना है, और 7,000 रुपये अपने पास पड़े हुए हैं, तो दोनों गाड़ियों को बेचने के बाद आराम से अपने पास 30 से 35 हज़ार रुपये तो आराम से आने ही वाले हैं, पैसा ही पैसा होने वाला है। तो चलो इस ट्रक को जल्दी से रिपेयर करने ले चलते हैं, अबे पीछे क्यों जा रहा है नलायक, जल्दी से ऑफिस में चल, और इसको रिपेयर वगैरह करवा के लेके आ चुके हैं गाइज। लेकिन ये क्या आ गया अपने मार्केट में भाई, ये कौन सी गाड़ी है? कम से कम भाई ये 2-4 लाख रुपये की आराम से लग रही है मुझे, आप लोगों को कितने की लग रही कमेंट्स में ज़रूर बताओ, और बताओ भाई। अरे बस तो जल्दी बोलना कितने, अबे निकलो निकल निकल यहाँ से निकल आराम खोर, यहाँ पे 50,000 रुपये नहीं है, $22,50,000 मांग रहा है, मतलब बाकी गाड़ी देखने में अच्छी लग रही है यार, पैसा तो छोड़ो, एक दिन ये भी लेने वाले हैं बिल्कुल, ये वाली गाड़ी अपन लोग लेने वाले हैं, लेकिन पहले इन खचड़ों को ही चलाते हैं, क्योंकि अभी पैसा नहीं है तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, ये गेम वाले भी ऐसे ही है भाई, क्या करें इनका।
तो अपना डे 5 स्टार्ट हो चुका। और ये फोर्ट वगैरह गाड़ी 2014 मॉडल, इसको भी अपन लोग 18 से 20 हज़ार रुपये में बेचने की ट्राई करेंगे। और ये वाली गाड़ी है, इसको भी देखते कितने रुपए में बेचें। बाकी ये मेरे ख्याल से 10-11 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि 6 हज़ार में अपन लोगों ने इसको खरीदी थी, रिपेयरिंग वगैरह का काम लगा के 12-13 हज़ार रुपये के चली जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी ये गाड़ी वाला इधर से जाने का नाम नहीं ले रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं इसकी गाड़ी चुरा लेता भाई, लेकिन अभी चुरा नहीं सकते, क्या करें। तो देखते हैं कैसा कुछ रहता है, पहले इसको रिपेयर करवा देते हैं। कम से कम 2 हज़ार रुपये का खर्चा इसके ऊपर आने ही वाला है। तो 6,500 रुपये की अपन लोगों ने ली थी, तो रिपेयर वगैरह करवा के आ चुके हैं और अभी इसको बेचने का टाइम आ चुका है और अभी पैसा ही पैसा होने वाला अपने पास। तो गाइस 3,000 रुपये कुछ बचे हैं, देख रहे हो कितनी गरीबी छाई हुई है। लेकिन दो गाड़ियाँ भी हैं, इस बात की खुशी है। एक तो नेशनल 1983 मॉडल, भाई साहब इसको खचड़े को कौन ही लेगा। एक फोर्ट बैब्रो, ये वाली कुछ ठीक मॉडल लग रही है। फिर भी इस पे अपन लोग कितना रखें, 17,000 रुपये रख दे क्या। अरे नहीं नहीं 17,000 तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, कोई आएगा ही नहीं इसको खरीदने में। इसको 11,000 रुपये में रखते हैं और इसको 19,000 रुपये में, ठीक है। अभी देखते हैं कस्टमरों की, वेट करते हैं और ये वाली गाड़ी भी अंदर लगा देते हैं। बाकी ये वाली गाड़ी आराम से बिक जानी चाहिए यार, क्योंकि इसका मॉडल वगैरह ठीक है और कलर भी ब्लैक है, तो ठीक है मेरे ख्याल से। और इसको अंदर खड़ी कर देते हुए फिर देखते हैं क्या कुछ करें। और कस्टमर एक तो आ भी चुका है, चल भाई जल्दी बता कितने पैसे दे रहा है। 2 आ चुके। और ये बुगाटी, अरे भाई साहब ये गाड़ी मुझे दे दे तू $3,500 में, पूरे के पूरे पैसे रख ले भाई, जल्दी अंदर आ भाई, जल्दी बता कितने पैसे लेगा इस बुगाटी के। अरे ये इसके अलग ही नखरे हैं भाई, पहले इससे कॉन्टैक्ट करते हैं, देखते हैं। 17,000 रुपये, नहीं 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 भाई 17,000 में कौन देगा तुझे। लेकिन भाई तू मुझे मेरे जैसा गरीब लग रहा है, इसलिए 100 रुपये छोड़ सकता हूँ, लेनी है तो ले ले। और ये शाम भी हो चुकी है यार, चलो जाके सो जाते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग से अपना काम फिर से स्टार्ट करेंगे। और आज तो कुछ पैसे की कमाई भी नहीं हुई है, बस दो गाड़ी अच्छी तरह पड़ी हुई है अपने पास। ये वाली अच्छी बात है, रिपेयर वगैरह भी सेल पे भी लगा रखी है, तो क्या पता अच्छा रेट अपने को मिल जाए गाड़ियों का। और देखते हैं कस्टमर, अबे कोई कस्टमर नहीं आया, इतनी गंदी गाड़ियाँ बेचता हूँ क्या मैं, इतना बुरा बिजनेसमैन तो नहीं हूँ यार मैं मेरे ख्याल से तो। बाकी आप लोग क्या सोचते हो कमेंट्स में बताओ। और ये गाड़ी देखने में बहुत अच्छी लुक आ रही, अच्छा हाँ जल्दी आ जा भाई, इसको कम से कम 50,000 रुपये में लेके चला जा यहाँ से। एक ही पीस है भाई ये, और कोई पीस बनना बंद हो गया, इसके बनने के बाद कंपनी को इतना घाटा लगा पता तुझे। और 9,000 रुपये ऑफर कर रहा बे हराम खोर, 9,000 रुपये में दूंगा तुझे मैं, चल 10,800 ही दे दे यार। और बिक गई भाई साहब, मतलब 200 रुपये अपन लोगों ने कम किए होंगे, तो यानी ये काफ़ी ज़्यादा अपने को मतलब ऊंचे नीचे प्राइस बोलते रहते ताकि इनका पैसा बच जाए, लेकिन अपन इनसे ज़्यादा चल रहा है समझे भाई। 17,000 रुपये तुझको मैं बेचूँगा 18,900 रुपये में, लेनी है तो ले और निकल यहाँ से, क्योंकि 19,000 इसका प्राइस, तो 50 रुपये तो बहुत है बेटे, इतने में तो एक ड्यू की बोतल लेके पार्टी करना तू, समझ गया ना। और ये क्या गेम का ग्लिच है भाई, पता नहीं चल रहा कौन कौन 18,500 रुपये, ये तो अपने को ऑफर भी कर रहा है, तो ये 18,950 दे के देखता हूँ क्या पता बिक ही जाए, इसको पागल बना देता हूँ 50 रुपये छोड़ के। और ये देखो भाई ऐसे पागल तुम्हारा भाई बना देता है। और 33,000 रुपये फाइनली जेब में आ चुके हैं, और अभी टाइम है कुछ बड़ी गाड़ी खरीदने का, कम से कम 20 से 25,000 रुपये की। तो चलते हैं मार्केट में और देखते हैं। बाकी गाइज अपन लोग ये गाड़ी लेके आ चुके थे, अपन लोग छोटे छोटे 3 डाले लेके आ चुके हैं 8-8, 10-10 हज़ार रुपये के, क्योंकि कोई अच्छी सी गाड़ी अपने को मिली नहीं, और इसको रिपेयर वगैरह करवा दिया है। तो चलो भाई अभी टाइम है इसको गाड़ी को बेचने का, और कोशिश करेंगे कि 16 से 18 हज़ार रुपये में कम से कम इसको बेच दे, तो 17,500 ट्राई करते हैं। अरे ओ रिफ्यूज़ मत कर, भगा दूँ ऐसे 13,500 रुपये में तो बिल्कुल नहीं देने वाला, तो निकल यहाँ से, काम कर तू निकल यार। 13,500 रुपये खुद तो 50 रुपये छोड़ते नहीं आराम खोर भाई, और यहाँ पे हमसे अरे फ़ोन भी की बैटरी भी कम हो चुकी है, 17,500 तो जो ऑफर कर रहा हूँ ले रहा, ये भी नहीं ले रहा, तो चलो थोड़े और कम कर देंगे भाई, क्यों दिक्कत ले रहे हो, तुम्हारी बाइक की गाड़ी यार तुमको फ्री में दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये क्या हो गया 11,650, ये कीबोर्ड भी साथ नहीं दे रहा है पता, तो कम से कम 16,500 रुपये में तो बेच के रहेंगे, इतने में तो ले ले बेटे भाई, इनके नखरे कुछ ज़्यादा ही ऊंचे होते जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ इनको 15,500 से नीचे एक रुपया में नहीं दूंगा, 15,500 में भी नहीं ले रहे, तो कितने में लेगा तू बता दे मुझे। इसको ऑफ़र करके देखते हैं 15,500, 13,500 तो ऑफ़र दे रहा है ये, 15,000 में तो आराम से ले लेना चाहिए, पहले 16 ही देखते हैं।
अरे ये वाली बात कुछ अच्छी लगी, 16,000 में बिक गई। और ये कौन सी गाड़ी है भाई, ये तो काफ़ी दमदार गाड़ी लग रही है अपने को। अपनी हैसियत तो मुश्किल लग रही है इसको खरीदने की, और क्या पता खरीद भी जाए यार, क्योंकि दो डाले अभी बचे हुए हैं, उनको बेचेंगे तो काफ़ी पैसा मिल जाएगा। कम से कम उनको 15-15 हज़ार में बेचेंगे तो अभी 30,000 अपने पास हो जाएंगे, और 46,000 रुपये की गाड़ी तो ये होनी चाहिए, 45 बिल्कुल। लेकिन अभी नहीं खरीद सकते ना, वो उन दो गाड़ियों को बेचना पड़ेगा। बाकी इस गाड़ी पे तो दिल आ गया था यार, आप लोग बताओ कैसी लग रही है। लेकिन इन दोनों को बेचते हैं पहले, ये देखते हैं दोनों को रिपेयर वगैरह अपन लोगों ने करवा के रखा हुआ है। तो एक को अपन लोगों ने अंदर खड़ा कर दिया ऑफिस में, स्कोर कर देते हैं और फिर इनको सेल पे डालते हैं, देखते हैं कितने पैसे अपने को मिलेंगे। और इस बार अपन लोग छोटी गाड़ी लेके नहीं आएंगे, कोई मतलब ठीक सी महंगी गाड़ी लेके आएंगे अपने बजट के हिसाब से, ताकि वो एक ही गाड़ी में अपने को ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। चलो भाई इसको सेल पे लगा देते हैं, और 17,000 रुपये तो थोड़ा कम लग रहा है इसको, 19,000 या 18,000 करेंगे कम से कम। तो देखते हैं इसको 18,000 कर देते हैं, ऊपर वाले को 19,000 कर देते हैं, और 19,000 रुपये डन। तो देखते हैं भाई, कम से कम अपने को 15-16 मिलेंगे तो भी काफ़ी ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे। और ये वाली गाड़ी कस्टमर आना स्टार्ट भी हो गई क्या, देखते हैं। 17,000 रुपये तो ऑफर कर रहा है बेटे, अभी मजा आएगा ना, इससे तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लूटने वाला हूँ मैं। देखता हूँ कौन इसके ज़्यादा पैसे देगा, उसी को बेच देंगे। 17,000 ऑफर, 17,500 रुपये, मतलब एक काम कर इसके 17,950 दे के निकल। अरे वाह, अच्छा आदमी था भाई, अभी टाइम है इस वाली गाड़ी को बेचने का। और यहाँ पे तो दो तीन कस्टमर आ चुके हैं, इसको तो 19,000 में बेच के रहेंगे भाई, इसको तो 19,000 में बेच के ही रहेंगे। 17,000 रुपये ऑफर करा, निकल यहाँ से। अभी देखते हैं ये कितना ऑफर कर रहा है, 17,000, ये तो उतना ही कर रहा है भाई, ये क्या चल रहा है। ये वाला देखते हैं 18, ये तुझे बेचूंगा गाड़ी भाई, जल्दी आ जा इधर, जल्दी से मुझे 18,950 दे दे। तू एक काम कर, 50 रुपये डॉलर तेरे लिए छूट, स्पेशल छूट, जाओ भाई चाय पी जाके। क्या, चलो गाड़ी अपन लोगों ने वो बेच दी है और अपने पास हो चुके हैं लगभग 50,000 डॉलर, थोड़े बहुत कम है। और ये वाली गाड़ी अपन लोग लेने की सोच रहे हैं, जो कि 20,000 रुपये, 21,000 रुपये तक अपने को मिल जाए। क्या पता ऑफर दे रहे हैं इसका 20,000 रुपये, क्या पता ले ले, लेकिन नहीं, 21,000 में देगा क्या, या 20,500 में ट्राई करते हैं पहले। चलो छोड़ यार, 21,000 ले तू। तो गाइस फाइनली अपन लोगों ने ये गाड़ी खरीद ली है, अभी देखते हैं क्या कुछ है, कैसे कंट्रोल वगैरह है इसके, और फिर इसको रिपेयर कराएंगे, कलर वगैरह चेंज करके फुल महंगी बेचने वाले हैं। तो बाकी अभी देखते हैं भाई इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा, पैसे तो गाड़ी पे ठीक ठाक लगे हैं और कंट्रोल भी उन वाली गाड़ियों से तो काफ़ी बेटर हैं। बाकी मेरे ख्याल से यार जितनी महंगी गाड़ी होगी उतने बढ़िया कंट्रोल इस गेम में लग सकते हैं, क्योंकि उन वाले के थोड़े इससे कम अच्छे कंट्रोल थे, इसके थोड़े काफ़ी ठीक ठाक है। और ड्रिफ्ट वगैरह मार के देखते हैं, ऑफ रोडिंग तो ये नहीं करने वाली, चलो बैक कर देते हैं। और काफ़ी ठीक कंट्रोल लगे यार मुझे तो उन गाड़ियों के कंपैरिजन में, और जो और महंगी गाड़ी होगी उनमें तो बवाल उठा देंगे हम पलों। तो चलते हैं अभी फिलहाल को, अपने को इसको रिपेयर वगैरह करवाना है। लेकिन एक सेकंड, एक गाड़ी अपने को और दिख गई है, इसको भी खरीद लेते हैं, दो दो गाड़ियाँ हो जाएंगी, फिर इनको बेच के ज़्यादा मोटा पैसा कमाएंगे। और ये 5,000 रुपये का डब्बा आएगा, लग तो इतने का ही रहा है, जो अपन लोगों ने रेड वाली कार ली थी ये वही है ना भाई शायद तो। और 7,000 रुपये मांग रहा है, तेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, 7,000 रुपये दे दे भाई, 7,000 में दे दे, 300 रुपये तो छोड़ना, नहीं 7,000 में भी नहीं देगा क्या। चल तो छोड़ यार, तेरे को पूरे पैसे देता हूँ, एक गाड़ी लेके चलते हैं अपन लोग सीधा ऑफिस में मिलेंगे आपको। तो चलो भाई, इसको तो टो करवा दिया, लेकिन इस वाली गाड़ी से अपन लोग जाने वाले हैं, या फिर इसको भी टो करवा देते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर लिया है। तो चलो सीधा ऑफिस में मिलेंगे अब आप लोगों से। बाकी ऑफिस में कैसे मिलेंगे, पैदल जाना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, तो पहले बस स्टैंड ढूंढते हैं अपन लोग किधर मिलेगा अपने को, और क्या पता इतने में एक आधी गाड़ी और दिख जाए तो उसको भी खरीद लेंगे, क्यों भाई, जब बिजनेस कर रहे हैं तो अच्छे से बिजनेस करेंगे ना। और बस स्टैंड दिख चुका है, गाड़ी कोई है नहीं, तो उन दोनों को अच्छे से रिपेयर करा के बेचेंगे। और जो 20,000 रुपये वाली गाड़ी है, 20 नहीं ना भाई, 21,000 रुपये की, उसको तो पेंट वगैरह करवा के अपन लोग कम से कम 40,000 रुपये की निकालने वाले हैं। तो अपने ऑफिस में एक गाड़ी, दो गाड़ी, एक गाड़ी लेके आए थे, दो गाड़ी कैसे भाई, एक पे एक का ऑफर चल रहा है क्या, जल्दी बताओ एक पे एक का ऑफर। अरे अच्छा, समझ गया, गाड़ी बेचने आया हुआ है, तभी मैं सोचूं यार, दो गाड़ियां तो ली नहीं अपन लोगों ने एक जैसी, और 1,15,000 रुपये, अबे मैं यही गाड़ी 20,000 रुपये में खरीद के लाया हूँ, तो 1,15,000 में तुझे मैं 50,000 में दे दूंगा, ले रहा है क्या, बताओ भाई, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। बाकी ये वाली गाड़ी खतरनाक थी यार,
जो भी हो लेकिन अपने वाले इससे कम नहीं है। फिलहाल को अपन लोग इसको रिपेयर कराने चलते हैं और इसका पेंट वगैरह भी चेंज करेंगे। और अरे किधर जा रहे भाई, ऑफिस में जाना है। और ये अपना ऑक्शन है, पता नहीं भाई साहब यहाँ पे कब बिडिंग होगी। अपन लोग आराम से यहाँ पे पार्ट लेंगे और कोई अच्छी सी गाड़ी आई तो वो खरीद लेंगे। फिलहाल को अपन लोग चलते हैं अपने मैकेनिक के पास और उससे रिपेयर वगैरह करवा के भी आ चुके हैं। और एक और कस्टमर आ चुका भाई, मतलब गाड़ी बेचने में, तो देखते हैं वो कितने में कुछ क्या डील दे रहा है। और बाकी कलर चेंज मैंने इसका नहीं करवाया यार, अपन लोगों ने इसको रिपेयर और वॉश करवाई है बस, क्योंकि कोई कलर अच्छा लग ही नहीं रहा था। तो इस पर 38,000 रुपये रख देते हैं अपन लोग, 40 तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और ये 7,000 रुपये इस पर भी काफ़ी खर्चा हुआ है, तो पहले इसको अंदर लेके आते हैं और फिर बाद में देखते हैं क्या कुछ रहता है। पहले इसका इंतज़ाम देखते हैं कितने रुपये में गाड़ी दे रहा है। 8,399 रुपये में गाड़ी दे रहा है। 8,100 में देगा क्या? 8,000 में दे दे चल पहले। 8,000 में नहीं देगा भाई, ये 8,300 में भी नहीं देगा, लिखवा के ले लो। लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जा रहा। 81,000 तो आई नहीं, देखा 8,100 में भी नहीं दिया। अभी अभी ट्राई करते हैं 300 में, इतने में। वाह भाई साहब, नल्ले रामखोर, अभी ज़रूरत है इसलिए ख़रीद रहा हूँ, वरना बताता तुझे, तेरे इतने रैपट जड़ता ना, इतने रैपट कि तुम दोबारा मेरे ऑफिस पे आता नहीं भाई। तो फिलहाल को अपने पास 3 गाड़ी आ चुकी हैं और 9,000 मतलब अराउंड 10,000 रुपये भी अपने पास पड़े हुए हैं। पहले इसको बेच के देखते हैं कितने पैसे आएंगे। और 33,000 रुपये का ऑफर कर रहा है, दूसरे वाले के पास चल के देखते हैं ये कितने का कर रहा है भाई। 35-35 का तो कर कम से कम। और 35,000 भाई, तुझे गाड़ी बेच देता हूँ, एक काम कर तू 37,000 कुछ की ले ले, 37,950 बिल्कुल इतने में ले लेगा क्या? अरे वाह भाई साहब, बिल्कुल 50 रुपये छूट में बंदे ने गाड़ी ले ली, गजब आदमी है। और अपने पास 47,000 रुपये हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 2 गाड़ियाँ बाकी है, इनको भी बेचेंगे तो अराउंड 70,000 अपन लोग आराम से जा सकते हैं। और 70,000 में एक बढ़िया सी गाड़ी भी ले सकते हैं। तो चलो इसको रिपेयर वगैरह करवा के अपन लोगों ने बेच दिया है और अब अपने पास पूरे $70,000। और ये देखो भाई साहब, जी वैगन आ चुकी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, इसको ख़रीदने की मैं सोच रहा हूँ। लेकिन पहले पूछते हैं कितने पैसे की है। और 93,000 तो अभी नहीं है भाई, अभी तो इसको नहीं खरीद सकते, लेकिन खरीदेंगे। बाकी गाड़ी क्या मस्त लग रही है यार, बताओ कैसे आप, कैसी लगी आपको? तो चलो कार मार्केट चलते हैं अभी। लेकिन कार मार्केट आके करें क्या भाई, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदी हुई हैं यहाँ पे। और ये वाली गाड़ी पूछते हैं कितने पैसे की दे रहा है। और 1,67,000 रुपये भाई, ऐसा क्या इस गाड़ी में मुझे थोड़ा बता दो दे। और ये वाले देखते हैं ये कितना भाई, तू 2,00,000 मांग ले, उससे कम क्यों रहेगा तू? 27,000 रुपये। अरे ये वाली गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है भाई, ये वाली सबसे बढ़िया गाड़ी है, अपन लोग ये लेके जाएंगे, इसको ट्राई करते हैं। 1,31,000, ऐसा क्या है इसमें, ऐसा है ही क्या इसमें? और ये रेड वाली तो सबसे ज़्यादा महंगी, इसको अपन लोगों ने पहले भी देखा था भाई, ये पता नहीं कितने लाखों में दे रहा है। और इससे 1,63,000 रुपये, नहीं भाई। और ये अपने को सुपरा जैसी लग रही है भाई, टोयोटा एम के 4, भाई साहब ये वाली गाड़ी अपने को लेनी पड़ेगी, ये वाली गाड़ी तो लेनी पड़ेगी अपने को, क्या कहते हो? ये वाली गाड़ी ले ले क्या, जल्दी बताओ भाई, ले लेते हैं भाई, ब्लैक कलर में। और इस पर प्रॉफिट भी अपन लोग ज़्यादा बना सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी महंगी गाड़ी भी लग रही है तो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट भी देगी। तो मैं सोच रहा हूँ इसी गाड़ी को ले लिया जाए भाई, क्यों ले लेते हैं। चल भाई बोल कितने रुपये में दे रहा है। 71,000 रुपये में तो नहीं लूँगा मैं इसको, एक काम कर 60,000 रुपये में दे दे मुझे, देगा क्या 60,000 रुपये में? और 1996 मॉडल भाई, इसका मॉडल तो बहुत कम है यार, इसको तो 40,000 रुपये में देना चाहिए। चलो देखते कितने में देगा, तेरे लिए 60,000 का ऑफ़र है भाई, वन टाइम ऑफ़र दे रहा हूँ, लेना है तो ले ले, वरना और पैसे भी दे देंगे, क्योंकि गाड़ी अपने को चाहिए है और इसने रिफ्यूज़ कर दिया है। आराम को, और 62,000 में तो दे देना, 62,000 इसमें भी नहीं दिया, 65 में देगा क्या फिर? एक सेकंड, कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए 68 दे देते हैं, क्योंकि वरना ये सीधा 71,000 में देता भाई फिर। लेकिन 67 में ट्राई करके देखते क्या पता दे ही दे। अरे यार 70,000, चल छोड़ भाई, गाड़ी नहीं लेनी मुझे, नहीं लूँगा तेरी गाड़ी भाई, हराम खोर भाई, $3,000-4,000 भी नहीं छोड़ रहा है, कोई बात थोड़ी है यार। अभी बहुत हो चुका है, मैं मेरी 27,000 रुपये वाली गाड़ी लेके यहाँ से निकल रहा हूँ और बाद में आके इसको ख़रीदता हूँ यार, क्योंकि इसको इतने में ख़रीद लिया तो रिपेयर कहाँ से करवाएंगे। इसलिए अपन लोग 27,000 रुपये वाली गाड़ी खरीदते हैं और मौज काटते हैं। ये देखते हैं कितने में दे रहा है, और 23,00,000 रुपये। अरे यार इतनी सस्ती गाड़ियाँ थोड़ी खरीदता हूँ मैं, करोड़ों में खरीदता हूँ भाई, 23,00,000 की गाड़ी है, मजाक कर रहा है लोंडा। 27,000 रुपये
इसको देखते हैं, 26,000 रुपये में दे दे भाई, ज़्यादा टाइम नहीं है, तू भी दे दे 26,000 में। तो नहीं दे रहा, नहीं इसको जेब में डाल ले भाई, नहीं दे रहा तो 27,000 इसमें तो देगा। चलो छोड़ो गाई, 27,000 रुपये में गाड़ी अपनी हो चुकी है, इसको पेंट वगैरह कर रहा के देखते हैं, क्या पता महंगी बिक जाए, तो चलो चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक और गाड़ी आ चुकी है, और देखते हैं ये इसके कितने पैसे लेने वाला है, जल्दी बोल भाई साहब कितने पैसे लेगा। 1,24,000। इतने महंगे आदमी हमारे ऑफिस में आ कैसे सकते हैं, इनका पता कौन दे रहा है, इनको अपने ऑफिस का पता कौन दे रहा है, वो कौन है गद्दार भाई, उसको ढूंढना पड़ेगा पहले। तो चलो इसको रिपेयर वगैरह कराने ले चलते हैं मैकेनिक के पास, कलर वगैरह चेंज कराएंगे और वॉश वगैरह अच्छे से करवाएंगे, फिर देखते हैं कितने पैसे की जाने वाली है। और सामने अपना ऑफिस है भाई देखते हैं, और इसके कंट्रोल भी काफ़ी ठीक ठाक है। तो चलो यार, इसको गाड़ी ऐसी बना दिया, ऐसी बना दी, और ये देखो भाई कैसी बना दी, इसका इतना ब्यूटीफुल कलर अपन लोगों ने रिपेयर वगैरह करवा के इसके ऊपर कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा किया है, और इसको अपन लोग सीधे 50,000 रुपये की बेच दे क्या, देखी जाएगी भाई 50,000 रुपये इसका सेल प्राइस है कम से कम। इसको देखते हैं, अगर ये 40 में भी चली जाएगी तो भी ठीक रहेगी, लेकिन 40 तो बहुत कम है, देखते हैं जितने मैक्स हो सकते हैं उतने में, बाकी कस्टमर अभी तक आने का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे जल्दी आता, इतनी बेहतरीन गाड़ी खड़ी है भाई, कमाल कर रहे हो। अरे अभी तक भी कोई नहीं आया, अरे क्या गलत चल रहा है, कस्टमर कहाँ मर गए भाई साहब, कहाँ मर गए, कार ऑक्शन है शायद सारे कार में। अरे आ गया भाई, ये वाला गरीब है, कार ऑक्शन में जाने को कात नहीं है इसकी, देखते कितने पैसे ऑफर कर रहा है। 33,000 रुपये, कोई मजाक चल रहा है इधर, ये मेरा पर्सनल व्हीकल है, मुझे किसी को बेचनी नहीं है वाली गाड़ी भाई, बिल्कुल नहीं बेचूंगा 33,000 रुपये। ये मैंने इसमें तो बच भी नहीं रहा अपने को, 27,000 की गाड़ी ली, इसके ऊपर कम से कम 5,000 रुपये का खर्चा करके बैठे हैं यार, बस 1,000 के लिए गाड़ी थोड़ी खरीदी है, पर्सनल व्हीकल बना लूंगा इससे अच्छा तो भाई इसको नहीं बेचने वाला मैं, मतलब गजब ही बेचती चल रही है। और ये देखते कितने का ऑफर दे रहा है अपने को, बाकी ये गाड़ी 50,000 रुपये में जाने तो बहुत मुश्किल लग रही है भाई इसके हालात को देखते हुए, ये 32,000 रुपये, ये उससे अच्छा, ये उससे ही नालायक, उससे भी कमज़ोर आदमी। तो चल भाई तेरी गरीबी को देखते हुए सीधा फ्लैट 10,000 की छूट देते हुए 40,000 रुपये ऑफर कर। अरे ले ली क्या 40,000 रुपये, मतलब वो 33 वाला तो आराम से 42,000 के भी ले सकता था यार, मतलब ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। तो गाइस बातों बातों में अपन लोगों ने एक और गाड़ी लेके इसको रिपेयर वगैरह करवा दी है, और इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, तो इसको देखते हैं कितने पैसे में बेचेंगे अपन लोग। और 8,500, ये छोटे मोटे डब्बे नहीं खरीदता भाई आजकल मैं, निकल जाए यहाँ से। तो गाइस इसको भी अपन लोग 50,000 में बेचने की ट्राई करेंगे, बाकी इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है यार, आप लोग बताओ। और 2019 मॉडल है तो काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं इसके, बहुत महंगी खरीदी अपने अपन लोगों ने वैसे तो, लेकिन अभी 48,000 रुपये, देखते हैं क्या पता बिक जाए, तो देखते हैं कस्टमर का वेट करते हैं कब तक आएगा। अभी पैसे अपने पास बहुत कम है यार, कुछ तो करना पड़ेगा, और अपने को एक लग्जरी गाड़ी भी खरीदनी है, और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी और रेडी हो चुकी है। तो देखते हैं, 45,000 रुपये का ऑफर ठुकरा दिया, 45,000 में तो कम से कम ले ले, 42,000 रुपये देने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन चल ले ले यार, 42,000 में भी नहीं ले रहा है, निकल यहाँ से, नहीं बेचनी भाई, और कस्टमर आ जाएंगे, 42,000 में भी नहीं ले रहा है, कमाल की बात है। और ये देखते ये क्या बेचने हैं, ये डब्बा तुझे बता तो दिया मैं नहीं खरीदता, निकल यहाँ से, क्या करे भाई। एक और कस्टमर आ चुका है, चलो देखते हैं इसका क्या रहता है, 35,000 रुपये, ये 45 में ले लेगा मेरे ख्याल से, तो चलो इसको सीधा 48,000 ही ऑफर कर देते हैं पहले, तो 48 में मना कर दिया, 45,000 में तो ये ले लेगा भाई, मुझे जैसा लग रहा है 45,000 रुपये में ले लेगा, क्या नहीं ली 45,000 में, नहीं ली तेरे लिए आखिरी ऑफर भाई, लेना है तो ले वरना मत ले, 42,000 रुपये से कम बिल्कुल नहीं बेचूँ। अरे वाह भाई, 42,000 रुपये में ले ली, अपने पास रुपये हो चुके हैं भाई साहब लगभग 1,00,000 के राउंड, और अभी तो एक्सपी अपने पास है नहीं, बेटर प्राइस योर सेल्फ के लिए जल्दी 400 XP भी करनी पड़ेंगी, अभी अपने पास ठीक ठाक हो ऑप्शन आ चुके हैं, अभी अपन लोग या तो सुपरा या फिर ओडी, इन दोनों में से कोई एक गाड़ी लेके आएंगे, उसको अच्छे से मॉडिफाई भी करवाएंगे। तो फिलहाल को अपन लोग चलते हैं, देखते हैं इतने पैसे, और रात भी हो चुकी है, तो चलो नेक्स्ट मॉर्निंग आपसे सीधा मिलेंगे कार मार्केट के अंदर। तो गाइज यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, ये काफ़ी ज़्यादा महंगी है भाई, अभी ये लगने में 50,000 का डब्बा लग रहा है आपको, दिखाता हूँ 1,37,000 रुपये का भाई, क्या करें अभी। और ये वाला डब्बा देखते कितने का है,
अरे जल्दी बता, 4,74,000 रुपये भाई। ऐसा क्या इस गाड़ी में? हीरे मोती थोड़े जड़ रखे हैं तूने। और ये वाली गाड़ी कुछ देखते हैं, ओडी RS 584,000, डन। ये गाड़ी मैं लेने वाला हूँ भाई साहब, 80,000 की मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो देखते हैं भाई क्या अपने को मिल पाएगी ये गाड़ी। और मिल गई भाई साहब 80,000 में, और सस्ती भी अपने को मिल सकती थी, लेकिन चलो छोड़ो। और ये लैम्बर्गिनी वगैरह भी आई हुई है, इनको भी जल्दी खरीदेंगे। और ये कौन सी फरारी, पता नहीं कौन सी लग रही है, देखते हैं। बाकी इसको कराने वाले अपन लोग एक नंबर की टॉप मॉडिफाई। और फिलहाल को थोड़ा बहुत चला के देखते हैं, इसके कंट्रोल तो और भी ज़्यादा बेटर नज़र आ रही है मुझे, ड्रिफ्ट वगैरह मार के देखते। और एक सेकंड, ठोक दी भाई गाड़ी, पहले ही दिन गाड़ी ठोक दी, पहले ही दिन के जब पहली बार चलाई तभी गाड़ी ठोक दी, गजब है। और क्या हो गया भाई तुझे, ज़्यादा डैमेज तो नहीं होगी लगता है। और फिलहाल को अपन लोग चलने वाले इसको रिपेयर करवाने के लिए। और इसका कलर अपन लोग अपने हिसाब से रखेंगे, क्योंकि ये अपनी फर्स्ट लग्जरी कार होने वाली है भाई साहब। ऑडी खरीदी है तुम्हारे भाई ने, और देखते हैं कितने पैसे लगेंगे इसको रिपेयर वगैरह होने में। और ये हमेशा गाने सुनता रहता है, इसको कोई काम नहीं है भाई साहब, इससे अपन लोग सस्ते में रिपेयर करवाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अच्छी रिपेयर करता नहीं है ये। और 5,000 रुपये में रिपेयर, चलो छोड़ो, दिए भाई तुझे 5,000 रुपये भी, दिए वाश भी कर दिए। और अभी इसका कलर देखते हैं कौन सा रखें अपन लोग, इसका कलर कुछ देखते हैं, एक सेकेंड, इसको थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, कुछ मज़ा तो नहीं आ रहा है भाई। एक सेकंड, ये वाला कुछ इधर वाले एरिया में कर। ये कलर आपको कैसा लगा भाई? मुझे टॉप का लग रहा है, थोड़ा और चेंज करके देख सकते। तो गाइस फाइनली अपन लोगों ने अपनी गाड़ी को पेंट करवा लिया। और ये कलर आपको कैसा लग रहा है? और थोड़ा लाइट और डार्क, मतलब लाइट भी नहीं कह सकते और ज़्यादा डार्क भी नहीं कह सकते, ये कलर काफ़ी ज़्यादा ठीक है। और अभी गाड़ी की फील आएगी ना भाई साहब, लेकिन अपने को इस गाड़ी को बेचना पड़ेगा यार, कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर इस गाड़ी को खरीदते अपने पास जेब में 1 फूटी कौड़ी भी नहीं रहने वाली, और इतनी मुश्किल से अपन लोगों ने अपना बिजनेस सेटअप किया, तो इस गाड़ी को तो बेचना पड़ेगा। लेकिन इस वाली वीडियो में आपको कहा था एक लग्जरी कार ज़रूर खरीदेंगे, तो वो अपन लोगों ने खरीद ली है। लेकिन इसको पर्सनल व्हीकल भी अपन लोग जल्दी बनाएंगे, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में ही। तो बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा है और गाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो गाड़ियों को देख के कर दो यार लाइक वगैरह। तो अभी इसको सेल पे ना चाहते हुए भी अपने को रखना पड़ेगा, क्योंकि 8,000 रुपये में बिजनेस अभी मुश्किल है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी इसका प्राइस अपन लोग 2,00,000 रुपये रखने वाले हैं, आप लोग क्या कहते हो? 80,000 रुपये में खरीदी थी और इसके ऊपर 8-9 हज़ार का खर्चा, यानी अराउंड 90,000 की अपने को पड़ी। और 2 लाख कोई देगा तो नहीं, लेकिन रखने में क्या ही जाता है, तो 2 लाख प्राइस इसका रख दिया है। अभी देखते हैं कोई कस्टमर आता है तब तक क्या कुछ रहता है। और गाड़ी देखो यार, मतलब गाड़ी तो गाड़ी यार, पैसा लगने का मज़ा आ रहा है, इतनी ज़बरदस्त गाड़ी है। और ये कस्टमर, अभी मेरे पास पैसे नहीं है भाई, 16,000 रुपये तो बिल्कुल नहीं है, 16,000 नहीं, 8,000 रुपये इसमें दे रहा है तो दे जा। और 2022 का मॉडल है, लेकिन गाड़ी थोड़ी नकली है तो नहीं खरीद रहे अपन लोग। और बाकी अपने वाली गाड़ी का कस्टमर भी आ चुका है, देखते हैं कितने रुपये ऑफर कर रहा है, और देखते कितने कर रहा है। 1,09,000 रुपये, कोई जोक चल रहा है क्या भाई? 1,09,000 रुपये, कमाल है यार, 90,000 रुपये खर्चा करके बैठे हैं, सिर्फ 20,000 का प्रॉफिट लेंगे क्या? मतलब गजब बेचती है। तेरे को ऑफर देता हूँ 1,90,000 का भाई साहब। एक और आ गया, इसको भी देखते हैं, पहले इसको 1,90,000 का ऑफर दे के देखते हैं, 1,90,000 में बिक जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन जाएगी नहीं जहाँ तक मुझे लगता है। और रिफ्यूज़ कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया तो निकल यहाँ से, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरा कस्टमर आ चुका है भाई। कम से कम 1,50,000 का ऑफर तो मारो यार। और 1,08,000 रुपये, तेरे से तो पहले वाला अच्छा था, तेरे साथ तो मैं भाई बार्गेन भी नहीं करने वाला, निकल यहाँ से। और इसके साथ थोड़े बहुत करके देख लेते हैं, 1,90,000 में ये माना नहीं तो 1,80,000 में मान जाएगा क्या? नहीं, 1,80,000 में भी नहीं मान रहा है, चलो इसको भाड़ में जाए भाई तू, इससे और करके देखते हैं। 1,14,000, मतलब 1,14,000 रुपये, ये काफ़ी इनसे तो बेटर है, लेकिन ओवरऑल प्राइस बहुत कम है भाई। ये 1,80,000 रुपये में ले रहा है क्या? ये भी नहीं ले रहा है भाई। तो अपन लोग 1,70,000 देखते हैं, 1,70,000 में मानेगा क्या? 1,70,000 में तो ले लो यार, 1,70,000 रुपये, और इसमें भी रिफ्यूज़ कर रहा है। तो फाइनल प्राइस अपन लोग क्या रख सकते हैं यार? इतने 1,50,000 तक की गाड़ी तो अपनी है, देखो मानो चाहे ना मानो, 1,50,000 तक की गाड़ी अपनी है, और इससे सस्ती तो देने का सवाल उठता ही नहीं है। ये मना कर रहा है तो मना करता रहे, और निकल जाए यहाँ से, रिफ्यूज़ कर रहा हूँ भाई।
तुझे भी रिफ्यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से, निकल जा, नए कस्टमरों को गाड़ी बेचेंगे। 1.5 लाख तक की गाड़ी तो है यार ये, 1.45 से 1.50 तक की गाड़ी तो आराम से है मेरे ख्याल से। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और मॉडल भी ठीक है, और बाकी पेंट देखो यार, इस इतना ज़बरदस्त पेंट वगैरह और गाड़ी की लुक देख के 20-30 हज़ार रुपये तो और महंगी हो जानी चाहिए। और 1,09,000 रुपये ऑफर कर रहा है यार, सारे इतने गरीब से गरीब टकर रहे हैं, इतनी महंगी गाड़ी आते गरीब कस्टमर आने लग गए भाई, पहले ठीक आ रहे थे और बाकी लुक के हिसाब से भाई मैं इस गाड़ी को क्या ही करूँ, बेचने का मन तो अपना कर नहीं रहा, लेकिन पैसे नहीं है, बेचनी तो पड़ेगी। और ये 1,11,000 रुपये का ऑफर लेके आया भाई, तो तुम क्या चाहते हो भाई साहब, तुम्हें मैं 1,20,000 रुपये में दे दूंगा यह गाड़ी, 1.50 में तो ले लो कम से कम यार, कमाल करते हो, 1.50 में रिफ्यूज़ कर दिया, तो इस गाड़ी ने बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया। ये कस्टमर पे कस्टमर जाए जा रहे हैं भाई, कोई लेने का नाम नहीं ले रहा इसका। और ये देखते क्या बेचने आया हुआ है, 44,000 रुपये, मजाक मत कर भाई, मैं सिर्फ 4,000 रुपये की गाड़ी खरीद सकता हूँ इस टाइम पे। और ये कस्टमर आ चुका है, इसको देख जाएगी यार, बेच देते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी ऑलरेडी हो चुकी है। और 1,08,000 रुपये, अरे यार कम से कम ठीक सा ऑफर तो दे यार कोई, 1,15,000-20,000 का तो दे दो अब, 1,08,000 रुपये। तो भाई इस गाड़ी ने तो दिमाग ख़राब करके रख दिया हुआ है, अरे तू निकलना यार यहाँ से, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा अपना और मेरा, और इसको गाड़ी देनी पड़ेगी जैसा भी। तू बोल भाई कित पैसे दे रहा है इस गाड़ी के, 1,12,000 रुपये, चलो छोड़ो यार, तू 1,40,000 रुपये पैसे दे के गाड़ी ले जा यार, और तेरे लिए तगड़ा ऑफर चल रहा है, 45 में ट्राई करते हैं क्या पता मान जाए, 1.45 में नहीं मान रहा है तो फाइनल ऑफर भाई साहब, अगर 1.40 में ले रहा है तो ले ले, वरना ये गाड़ी डैम श्योर ये गाड़ी बेचूंगा ही नहीं, 1.40 से नीचे ये गाड़ी नहीं बेचूंगा भाई, चाहे इसको फिर से मुझे 5,000 रुपये के डब्बे खरीदने पड़े 1.40 में। अच्छा निकल भाई, अब नहीं बेचूंगा 1.40 में नहीं माना तो इसे ट्राई और ले लेते हैं भाई 1.40 तक की, और ये तो ऑफर ही इतना दे रहा है, एक सेकंड ये गया नहीं अभी तक, अबे तू जा क्यों नहीं रहा है, निकलना यहाँ से। और ये कस्टमर आ चुका, इससे ट्राई और लेंगे क्या पता 1.40 अपने को, 1.13 ये शायद, देखते हैं कैसा किस्मत रहता है, 1.40 में ले रहा है क्या भाई, और 1.40 में फाइनली गाइस फाइनली कम से कम 1.40 में तो गाड़ी गई, अपने को 50,000 रुपये का प्रॉफिट तो फिर भी हो गया, लेकिन चलो छोड़ो जितने में भी गई, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दमदार कारों के साथ, सो थैंक यू गाइज़।